हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन पर। दोस्तों, जिस पर हम दवाइयों के बारे में नई नई जानकारी लेकर आते हैं, तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिफ्रान आई ड्रॉप के बारे में, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन से बना हुआ होता है। मतलब कि इसका जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, जिसको कि आम भाषा में इसका साल्ट भी कहते हैं। गाइज ये RX मेडिसिन है, प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग है, एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, यानी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक आई ईयर ड्रॉप है। और गाइज इसका जो पैक है वो 10 ml का है। तो चलिए इसके यूजेज़ और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि भाई इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या फ़ायदे करती है मेडिसिन। तो गाइज़ ये जो आई ड्रॉप है वो जब भी किसी को आई इचिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आँखों में जो है खुजली होती है, आँखों में इचिंग लगती है, तो इसको ठीक करता है। इसके अलावा ये आँख या कान में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, गाइज आँखों में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और आँखों में कीचड़ जैसे आने लगते हैं, आँखों में चिपचिपापन रहता है, तो ऐसी सभी समस्याओं को ठीक करता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम इस मेडिसिन के ईयर के केस में बात करें कि अगर किसी को कान का इन्फेक्शन हुआ है तो फिर कैसे क्या काम करेगी, तो गाइज़ कान में ये मेडिसिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी फ़ायदा करती है, कान में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। कि अगर किसी को कान में खुजली होती है, कान में पस निकलता है, कान में हल्की फुल्की सूजन हो गई है, तो इसमें ये बैक्टीरिया को ख़त्म करती है और कान को ठीक करती है। दोस्तों ये जैसा कि हमने बात की कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा आँखों में, तो उस समय आई रेडनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, आँखों में लाल लाल आँखें हो जाती हैं, उसको ठीक करती है। आँखों में चुभन रहती है, पेन रहता है, तो इसको ठीक कर। दोस्तों ये आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है और जो इन्फेक्शन फैल चुका होता है उसको क्योर करती है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों ये आई डिस्कम्फर्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि गाइस जब आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल जाता है तो रोगी को आँखें खोलकर देखने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, आँखों में चुभन रहती है, लालामी रहती है, तो फिर ऐसी कंडीशन को ठीक करती है। ओवरऑल गाइस बात करें तो आँखों के लिए काफ़ी अच्छी है और आँखों में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों ये सिफ्रान इसका ब्रांड्स नेम है, मतलब कंपनी ने अपना नाम दिया है, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसके अंदर एक्टिव साल्ट होता है, जो कि इस मेडिसिन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। गाइज ये 0.3% वेट बाय वॉल्यूम की फॉर्म में मेडिसिन है। और बात कर लें अगर इसके MRP की, तो लगभग 105 रुपये में आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। गाइज अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं कि इसकी डोज़ क्या रहती है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो गाइज डोज़ की केस में अगर हम बात करें तो ये जो डोज़ है वो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को देखते हैं, उसकी कंडीशन को देखते हैं और उसको सुबह शाम एक एक या दो दो बूंद दोनों आँखों में डालने की सलाह देते हैं। तो ये एडल्ट के केस में होता है, मतलब कि ये जो डोज़ है वो एडल्ट के लिए रहती है, और बच्चों के लिए डोज़ जो है कम करके दी जा सकती है, बट ये आपके डॉक्टर की सलाह से होगी। गाइज इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आपको आई ड्रॉप को ओपन करना है, आई ड्रॉप की जो टिप है इसमें किसी नुकीली चीज़ को नहीं घुसाना है, सिंपल इसको कैप को जब आप उल्टा घुमाएंगे तो ये अपने आप से ब्रेक हो जाएगी और फिर पेशेंट को लिटाकर आसानी से उसकी आँखों में एक एक बूंद या दो दो बूंद जितनी डॉक्टर बताते हैं उतनी मेडिसिन डालनी है। आई ड्रॉप को यूज़ करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना है, अच्छी तरह से धोना है, और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस दिन आप आई ड्रॉप को खोलते हैं तो डेट ऑफ ओपन इस पर ज़रूर लिख लें, क्योंकि गाइस आई ईयर ड्रॉप जो है 1 महीने के अंदर आपको यूज़ कर लेने चाहिए। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा रखी हुई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ये सॉल्यूशन ख़राब हो सकता है, कंटामिनेट हो सकता है, तो 1 महीने के अंदर जो आई ड्रॉप होते हैं या ईयर ड्रॉप होते हैं इनको आपको यूज़ कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप ये आई ड्रॉप यूज़ करते समय सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो समस्या है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो आई होप के गाइज ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही आपके अपने चैनल यूनिक मेडिसिन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, सेफ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।